आईटी खुलासे को लेकर सीएम कमलनाथ ने कहा कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन्हें मैं जानता तक नहीं हूं। बीजेपी सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आईटी रेड के दौरान ये कागज जहां से मिले हैं उसका खुलासा नहीं किया जा रहा। वहीं सीएम ने प्रदेश सरकार की अस्थिरता पर कहा कि मेरे पास 120 विधायकों के हस्ताक्षर हैं, जहां कहेंगे फ्लोर टेस्ट को तैयार हूं। वहीं बीजेपी विधायक उषा ठाकुर के नाथूराम गौडसे को लेकर दिए बयान पर कहा कि इनकी विचारधारा खुलकर सामने आ रही है। ये दुख की बात है, ये आगे आने वाले समय भी ये उजागर होगी कि भारतीय जनता पार्टी की अंत में क्या सोच है, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, इनके जवान में क्या है, ये सब बातें सामने साबित होंगी। 26 तारीख को विधायक दल की बैठक करी थी जिसमें 120 विधायकों ने साइन किया, ने प्रस्ताव पर साइन किया कि उनकी पूरी पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार का ये बहुमत सिद्ध करने का चाहते हैं, हम करने को तैयार हैं।